या कुंतेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर् देवी सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। परम पूज्य गुरुजी, बिहार के मुख्यमंत्री हम आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय जयराम रमेश जी और मंच पर एवं सभागार में उपस्थित माता गंगा जी की जो समस्या अविरलता, जो एक प्रकार से उनकी जीवंतता है, तो उनकी जीवंतता की समस्या और उनके स्वास्थ्य के एक पहलू साध की समस्या को चर्चा करने के लिए मुझे लगता है कुछ ना कुछ चिंता लिए हुए इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी भाइयों बहनों, गंगा माँ के हम सभी बेटे बेटी हैं और उस रूप में मैं आप सबको अपने छोटे भाई बहन कहकर संबोधित कर रहा हूँ। मेरे परिचय में जो भी कहा गया हो, मैं तो स्वयं को गंगा माँ का एक बहुत कमज़ोर बेटा और इकोलॉजी का, सृष्टि का, निसर्ग का एक क्षुद्र छात्र समझता हूँ। उनकी संरक्षण की समस्याओं को समझने का प्रयास करने वाला, भले ही जैसा आदरणीय जयराम रमेश जी ने कहा, मुझे प्रारंभ में थोड़ी बहुत सफलता मिली हो, वो भी एक प्रकार से जैसे परीक्षक दयालु हो और कक्षा में जो परीक्षा के समय निरीक्षक कर रहा हो वो भी कुछ सहायता देने को तैयार हो, उस सब के कारण थोड़ी सफलता मिली भी हो। यहाँ मैं जयराम रमेश जी को भी ये याद दिलाना चाहूँगा कि उसमें एक पहलू जो उन्होंने छोड़ दिया वो ये था कि जब तीन मूर्ति भवन में ये चर्चा हो रही थी और ये बात रखी गई कि लोहारी नाग पाला पर तो 800 करोड़ रुपया खर्च हो गया है और वो सब समाज का या जनता का या देश का धन है, उसका क्या होगा, तो आदरणीय गुरुजी ने कहा वो भी हम इकट्ठा करके देंगे। तो जब हमारे एक प्रकार से संत जनों का समाज के ऊपर इतना विश्वास था कि वो हम इकट्ठा कर सकते हैं और उस समय हमारी सरकार भी ये समझ पाई कि पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अपनी संस्कृति को और अपनी इस सृष्टि को, निसर्ग को, पर्यावरण को बचाए रखना। तो जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न उठता है, मैं तो केवल एक असफल छात्र, थका हारा और मैं तो कहूँगा पूर्णतया निराश, उस स्थिति में व्यक्ति क्या सलाह दे सकता है, क्या मार्गदर्शन कर सकता है? और जब आप इतनी गंभीर समस्याओं पर चर्चा कर रहे हों तो उसमें मेरी क्या भागीदारी हो सकती है? फिर भी मेरी माँ के स्वास्थ्य का प्रश्न है और मैं आप सबके बीच में हूँ, तो अपनी जो सीमित समझ कुछ आपके सामने रखना चाहूँगा। सृष्टि में अंततः दो वर्ग सभी मानेंगे सबको दिखाई देता है, एक जड़ एक चेतन। जड़ को तो विज्ञान टेक्नोलॉजी ये सब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, पर जो चेतन तत्व है उसके बारे में विज्ञान मेरे विचार से कुछ भी नहीं कह सकता है, समझ सकता। इस बात की मुझे भी जो पहले अनुभूति हुई वो सन 2000 में अमेरिका में शिकागो के निकट एक कॉन्फ्रेंस में ये बात आई कि ऐसा क्या था कि इस सृष्टि, निसर्ग, इसकी गुणवत्ता ये सब बनी रही पिछले वर्षों में, और विशेष रूप से जो पूर्वीय संस्कृतियां हैं जिनमें भारत से उपजी हिंदू, बौद्ध, जैन और अन्य परंपराएं हैं, और साथ ही और पूर्वीय संस्कृतियों में, चिंतन में
जापानी या चीनी चिंतन रहे, वो सब और विशेषतया जिनको जनजातीय संस्कृतियां कहा जाए संसार भर में, उन सब में प्रकृति का संरक्षण होता रहा, प्रकृति की गुणवत्ता का संरक्षण होता रहा। पर जो पाश्चात्य संस्कृतियां हैं उनमें वो नहीं हुआ और निरंतर सृष्टि का संसर्ग का दोहन अति दोहन हुआ और वो एक प्रकार से बहुत नष्ट होने के कगार पर हैं। उस समय ये बात आई कि जो पूर्वीय संस्कृतियां हैं उनमें चेतन तत्व के ऊपर ध्यान दिया गया, केवल जड़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और चेतन तत्व में जो सबसे प्रमुख बात ये थी कि वो चेतन तत्व एक ही है, आप उसे आत्मा कहें आप उसे जीवन कहें, और उसका कोई विकल्प नहीं, और उसके जाते ही जो कुछ बचता है केवल शव बचता है, उसमें कोई उसके पुनः जीवित होने की भी संभावना नहीं होती। तो यहाँ हमारी संस्कृति में यूँ तो कहा जाए कि हम आत्मा कहते हैं तो सोल रूह वो शब्द भी हैं, पर उसमें वो समझ नहीं जाती जो एक ये मानना था कि सिर्फ सभी प्राणियों में एक वही आत्मा है और मनुष्य कोई अकेला विचित्र प्राणी नहीं है जिसके हितों को हम सबके ऊपर रख कर चलें। इस बात को मैं बहुत अधिक तूल नहीं देना चाहूँगा, पर मेरे विचार से सबसे बड़ी समस्या आज चाहे वो गंगा माँ की हो चाहे नर्मदा जी की हो और चाहे किसी भी सृष्टि के चाहे वनों की हो, वो पूरी जो समस्या है वो यही है कि हम मानव को अन्य सभी प्राणियों से अलग मानते। यहाँ आप मानेंगे ही कि हमारी संस्कृति में तो जब पुनर्जन्म की बात मानी और 84 लाख योनियों की बात थी जिसमें ये था कि पता नहीं हम पिछली योनि में क्या थे अगली योनि में क्या होंगे, तो वो एक प्रकार से हमें ये धारणा देने का था कि जहाँ तक चेतन तत्व का प्रश्न है उसमें कोई विभिन्न प्राणियों में अंतर नहीं। और इस स्तर पर जाकर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे लिए गंगा जी नर्मदा जी सिंधु कावेरी ये कोई जड़ जल धाराएं नहीं हैं, ये हमारे लिए प्राणवान हैं जीवंत हैं। और उस रूप में जैसे गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने केवल मानव मानव में अपने आप को नहीं कहा, और हमारे जो अवतार हैं उनमें केवल मानव अवतार नहीं हैं, आप किसी अन्य संस्कृति में देखें तो जहाँ भी चाहे वो मसीहा हो ईसा थे तो प्रभु के बेटे थे, क्यों क्या एक गाय या बैल उसको किसी और ने बनाया है क्या वो प्रभु के बनाया हुआ उसी प्रकार नहीं है। तो ये जो हमारा सांस्कृतिक तत्व था, हमारा ही नहीं मैं फिर से कहूँ सभी पूर्वीय संस्कृतियों का और जनजातियों की संस्कृतियों का, इस तत्व को हमने धीरे धीरे खो दिया। और इसी के नाते अंततः हम केवल मानव की भलाई, और वो भलाई क्या केवल सुविधा जुटाने की बात, सुविधा भोगी हम सब बनते जाएं, वो लोभ, उस लोभ के कारण ये सारी समस्याएं मेरे विचार से पैदा हुई। मूल समस्या वो है कि हम आज ये विचार करें कि कुछ वर्ष पहले तक तो हम जब विकास की बात करते थे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते थे, आज कहीं आप सस्टेनेबल का शब्द सुनते भी हैं? आज कहा जाता है कि हमारा बस एक ही नारा है, विकास विकास और विकास, असीमित विकास। तो क्या ये सृष्टि हमारे असीमित विकास के बोझ को सहन कर सकती है? वो चाहे गंगा माँ हो और चाहे और कोई भी सृष्टि की जीवंत हो। तो यहाँ मेरे विचार से हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अलग से देखना शुरू करें। मेरे विषय पूर्व वक्ताओं ने बड़ी अच्छी तरह से ये सब बताया कि सृष्टि में गंगा जी की या अन्य सब इसकी क्या स्थिति हो रही है, कितनी करुण स्थिति हो रही है। अंततः उस स्थिति के बाद में अगर सृष्टि नहीं बचेगी, निसर्ग नहीं बचेगा, तो हम कहाँ बचेंगे? और ये विकास की धारणाएं, ये निरंतर का लोभ, हमको ये चाहिए वो चाहिए, जब तक हम इसके ऊपर सीमा नहीं लगाएंगे। और यहाँ एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार हम अपनी बात को ये समझ लें कि हम असीम जो भौतिक विकास है वो नहीं कर सकते,
आखिर सारे संसाधन तो हमको निसर्ग से ही आने हैं, वो संसाधन असीम नहीं है और हमें उसका कोई अधिकार भी नहीं है। आज बात जो कुछ होती है वो केवल मानवाधिकारी को होती है, जैसे अधिकार मानव जन्म होने के साथ है। दूसरी बात होती है तो समानता की बात होती है। समानता ये नहीं कि आत्मा सबकी एक है, लेकिन ये कि शरीर के रूप में समान हो, सुविधाओं के रूप में समान हो। मैंने जो अपना जीवन शास्त्र पढ़ा अमेरिका में, उसमें पहली बात ये थी कि जीवन का एक लक्षण है डिफरेंशिएशन। जड़ पदार्थों में डिफरेंशिएशन नहीं होता। डिफरेंशिएशन से अर्थ है कि उसका हर अंग अलग होता है, हर अंग का कार्य अलग होता है, हर अंग के अधिकार अलग होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो मुंह हो वही पैर हो, या जो काम दांत करे वही काम जीभ करे। तो ये कहना कि नहीं सबको समान अधिकार होंगे, सबके और सब भी कौन, केवल मानव, जैसे बाकी सृष्टि तो मानव की कोई दासी है, चेरी है। और वही तो बात हम भी आज गंगा जी को माँ मान के थोड़ी चल रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि गंगा जी तो एक दासी है, गुलाम है, चाहे जहां उसको बांध दो, चाहे जहां उसका खून निकाल लो। ये बात मुझसे पहले भी वक्ता कह चुके हैं कि जलधारा के रूप में गंगा जी का रक्त क्या है, उनका जल, उनका प्राण क्या है, उनका प्रवाह। तो हम जल निकालते जाएं, प्रवाह रोकते जाएं और फिर उसके बाद आगे की आशाएं करते रहें। तो मैं तो आज आप सबको शुभकामना देने के साथ और प्रभु से ये कामना करने के साथ कि वो सद्बुद्धि दें और हम इस लालच को, इस सबके विकास को नारा न बनाकर एक सीमित विकास और जो पर्यावरण सह विकास, इको फ्रेंडली विकास, उस तक की बात करें, अपनी सीमाओं में रहें। और इसके साथ आप सबसे अपने भाई बहनों के रूप में मैं ये प्रार्थना करूंगा कि एक निर्णय लें, एक शपथ लें कि जिससे हमारी माँ गंगा जी को या माँ धरती को कष्ट होता हो, हानि होती हो, ऐसा कोई विकास हमको नहीं चाहिए। और मैं तो कहूँगा ऐसे विकास पर मैं थूकता हूँ। आप सबको एक बार फिर मेरा प्रणाम और मेरी शुभकामनाएं।